आप जिस जमाने के वकील हैं उस समय लोग सीधे होते थे, वो इशू नहीं था, इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दिया। अगर वो चाहेंगे तो उसका पूरा जवाब देंगे हमको। नहीं, हमने हमको आप एक ही इशू का जवाब दीजिए, आपके पास 42 सेल डीड एग्जीक्यूट कराने का पैसा कहां से आया? आप क्या काम करते हैं? आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सारी बात हमको दीजिए। ठीक है, मंजूर, एक नाफी के लिए केस फाइल हुआ था, ये इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट रैयत के नाम से सीलिंग प्रोसीडिंग चला हमारे खिलाफ, जब चला तीन भाई और तीन बहन के खिलाफ चला। जमींदार कौन थे? जमींदार कौन थे? जमींदार चारों के नाम से, छहों के नाम से है, सबका अपना अपना शेयर है, इंडिपेंडेंट है यूनिट। इंडिपेंडेंट रैयत के नाम से चला, हमने सेलिंग एक्ट फाइट किया, हमने अपना शेयर उसमें से रिटेन कर लिया। ये सीताबन नाम है इनका, इनके वेंडर का, इन्होंने सेलिंग एक्ट छोड़ दिया, नहीं लड़ा, क्योंकि इनके मैट्रिमोनियल होम में एक केस चल रहा था, ये दोनों जगह ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इन्होंने छोड़ दिया। इनकी इनका जो जमीन था वो सेक्शन 15 में अक्वायर हो गया, अक्वायर हो गया जिस खाते से लैंड, अब ये कैसे वहां ट्रांसफर करेंगे? 15(1) इन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया, ये कह रहे हैं कि हमको नोटिस नहीं था, तो आपको अगर सुन के किया तो आप उसके खिलाफ ये कीजिए। बट हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया सेक्शन 9 के तहत, ये रेजिडेंशियल हाउस है हमारा, रेजिडेंस पूरा होम स्टेट लैंड है ये, तो हमारा यहाँ से नापी हो गया। नापी होने के बाद अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, नापी होने के बाद इन्होंने मॉडिफिकेशन दिया फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। मॉडिफिकेशन इसमें तो होगा नहीं, या तो चैलेंज होगा एलपीए में, मॉडिफिकेशन के लिए दिया है। जब हमने काउंटर दिया इसमें, वो गुंडा बैंक वाला मामला है, 42 ट्रांजैक्शन है इसमें, वो वही वाला है, वही वाला है। हम जरा सा क्योंकि सर कर रहे थे इससे शुरू से, सर आपको मालूम नहीं है ये ऑर्डर है, मालूम है ये जो बोल रहे हैं हम, एक आदमी एक 42 ट्रांजैक्शन करता है सेल डीड का विद इन टू इयर्स। आप जिस जमाने के वकील हैं उस समय लोग सीधे होते थे, अभी के जो जमाने में ये गुंडा बैंक चल रहा है सीमांचल एरिया में, एडीजी ने रिपोर्ट दिया है और लोगों पर मुकदमा हो रहा है, लोगों पर इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, गुंडा बैंक वालों का एसआईटी है, तो ऑर्डर है। आपने एसआईटी को अप्रोच किया? हमने अप्रोच किया, एनएक्सएस सी सीरीज रखा हुआ है। हाँ, क्या हुआ? एसआईटी ने क्या किया? लिख करके ईडी को भी, हाँ, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया था हमने पहले ही दे दिया, लास्ट डेट में हम बता नहीं पाए, लेकिन उसका जो रिज्वाइंडर देना है ये जो है पेटिशनर एमजेसी का, वो इवेट कर रहा है, उसमें तमाम डिटेल दिए हैं, और लास्ट डेट में 12/10/2022 को इनको रिज्वाइंडर देना था। रिज्वाइंडर वेट कर रहे हैं, वो इशू नहीं था, इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दिया। अगर वो चाहेंगे तो उसका पूरा जवाब देंगे हमको। नहीं, हमने हमको आप एक ही इशू का जवाब दीजिए, आपके पास 42 सेल डीड एग्जीक्यूट कराने का पैसा कहां से आया? आप क्या काम करते हैं? आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सारी बात हमको दीजिए। ठीक है उधर, इसको उधर 2 हफ्ते के बाद रख दिया जाए। दो हफ्ते बाद हर्ड द पार्टीज, लर्नेड सीनियर काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 weeks टाइम टू फाइल अकाउंट एफिडेविट ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड ऑल द सेल डीड्स व्हिच हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन हिज, ऑल द 42 सेल डीड्स व्हिच ही हैज गॉट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, कॉमा सोर्स ऑफ द फंड फॉर परचेज ऑफ लैंड इन व्यू ऑफ एन एक्सेस सी सीरीज एंड द इनकम टैक्स returns if any filed by him the petitioner.